एक्सीलेंट वोकेबलरी, कितना अच्छा शब्द है सुनने में और इस शब्द का कितना महत्व है। यह ये तो आप तभी जान सकते हैं जब आपको हैबिट हो जाती है इंग्लिश वोकेब याद करने की, इंग्लिश वोकेब लर्न करने की। दिस इज आदेश शर्मा फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल जलालाबाद, एंड इन टुडे वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू एक्सीलेंट वोकेबलरी। आज के लेक्चर में आप सीखने वाले हैं एक्सीलेंट वोकेबुलरी, बहुत ही बढ़िया सेलेक्टेड कुछ शब्द जिनसे आपका इंग्लिश तो इम्प्रूव होगा ही होगा, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही सुपर डुपर और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सेंटेंस। तो आपको वीडियो को शुरू से आगे तक देखना है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर करें जिससे वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट पर जा सके और सभी को उसका बेनिफिट मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन में पूछा जाता है एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द। हम आपको सभी कुछ बताने वाले हैं, आपको हमसे जुड़ना है और अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं। हम आपको एंटोनिम बताएंगे, सिनोनिम भी बताएंगे, वन वर्ड होमोपोन्स भी बताएंगे और डीप ग्रामर ग्रामर वगैरह बताएंगे, लिटरेचर भी बताया जाएगा आपको। आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और बोर्ड एग्जाम में एक्सीलेंट मार्क्स की गारंटी है आपको। बोर्ड एग्जाम में आपको 90+ 90+ अगर मार्क्स प्राप्त करने हैं तो हम पर विश्वास कीजिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने बोलें। देख लेते हैं सबसे पहला वर्ड आएगा सुपर डुपर वर्ड, बड़ा ही अच्छा वर्ड, एक तरफ लिखा है वर्ड, दूसरी तरफ लिखा है एंटोनिम शब्द विलोम शब्द। पहला वर्ड देखते हैं, पहला वर्ड है अराइवल। अराइवल कहते हैं आगमन, किसी का आना, और इसका उल्टा जो है इसका एंटोनिम जो है एंटोनिम को डिपोजिट वर्ड कहते हैं, इसका डिपोजिट वर्ड है डिपार्चर, गमन या जाना। तो पहला शब्द क्या है अराइवल और इसका एंटोनिम जो है वो है डिपार्चर। दूसरा शब्द देखते हैं आएगा बैरन, बंजर, बैरन मीन्स बंजर अनुपजाऊ, और इसका जो एंटोनिम वर्ड है वो है फर्टाइल, उपजाऊ, फर्टाइल, उपजाऊ। बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला शब्द बैरन फर्टाइल अक्सर पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला वर्ड देखते हैं सॉरी, बोल्ड बहादुर, बोल्ड कहते हैं बहादुर और इसका एंटोनिम है टिमिड, कायर। तो बोल्ड का एंटोनिम क्या हुआ टिमिड, टिमिड मींस कायर। डेफिनेट, डेफिनेट कहते हैं निश्चित, डेफिनेट मींस निश्चित, और इनडेफिनिट कहते हैं अनिश्चित। तो डेफिनिट का अपोजिट क्या हो गया इनडेफिनिट, डेफिनिट का एंटोनिम क्या हो गया इंडेफिनिट। कंसेंट बड़ा ही अच्छा शब्द है, ये भी अक्सर पूछा जाता है, वेरी अमेजिंग वर्ड। कंसेंट कहते हैं सहमति, किसी की सहमति मिलना, और डिसेंट कहते हैं असहमति यानी कि कोई सहमत नहीं आपसे, डिसेंट है। इसी तरह से क्रूल कहते हैं निष्ठुर, निर्दयी, क्रूल, CRUEL, बड़ा ही अच्छा शब्द है भी, क्रूल, निष्ठुर, निर्दयी, और इसका एंटोनिम वर्ड जो है काइंड, दयालु। क्रूल का एंटोनिम वर्ड जो है काइंड, दयालु। इसके बाद सिविलाइज्ड, सभ्य, सिविलाइज्ड कहते हैं सभ्य, और इसका एंटोनिम वर्ड जो है वो है विल्ड, WILD, विल्ड, असभ्य। इसके बाद अगला शब्द है डिपॉजिट, जमा करना, डिपॉजिट कहते हैं जमा करना, और इसका अपोजिट वर्ड एंटोनिम है विड्रॉ, विड्रॉ निकालना, यानी बैंक में जमा करना और निकालना, कोई रकम जमा करना निकालना, तो डिपॉजिट कहते हैं जमा करना और विड्रॉ कहते हैं विड्रॉ निकालना। इसके बाद है डिस्ट्रेस, परेशानी, डिस्ट्रेस बड़ा अच्छा शब्द है, सेलेक्टेड शब्द है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला शब्द है डिस्ट्रेस, परेशानी, कंफर्ट, आराम। तो डियर स्टूडेंट इस तरह की जानकारी के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ वेरी नाइस डे।